दीपिका पादुकोण की लाइफ से एक खास इंसान की जल्द ही होने वाली है एग्जिट। उनकी लाइफ से उनका सबसे खास फ्रेंड हो सकता है बाहर। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ माल्या की। खबरों की माने तो सिद माल्या और दीपिका के बीच किसी बात को लेकर हो गई है सीरियस टेंशन। सोर्सेस से पता चला है कि इन दोनों के बीच अब सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इन दोनों के बीच किसी इशू को लेकर हो गई है तकरार, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत कटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी समय से दिप्स और सिद पहले की तरह अब साथ साथ पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच ये टेंशन शुरू हुई है करीब 3 महीने से। दरअसल दीपिका और सिद्धार्थ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दीप्स रणबीर के साथ अपने ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ माल्या से काफी क्लोज हो चुकी थीं। इन दोनों की क्लोज बॉन्डिंग तो हम सब ने एक क्रिकेट लीग के दौरान देखी ही है और तभी से ये दोनों एज अ कपल सुर्खियां बना रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स हर एक इवेंट पर द डुओ वाज स्पॉटेड टुगेदर। सवाल ये है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच आ गई डिस्टेंस। कुछ दिन पहले जूम पर सिद माल्या ने खुद बताया था दैट ही इज लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मैरिज। सो टू टाई मी डाउन, यू नो, सो व्हेन आई डू गेट इनटू अ रिलेशनशिप देयर हैज टू बी समथिंग प्रीटी स्पेशल अबाउट दैट पर्सन। क्या इन दोनों के बीच आ गए हैं रणबीर कपूर? क्योंकि इन दिनों आरके और दीप की फ्रेंडशिप जोरों शोरों से चल रही है और अब ये दोनों अयान मुखर्जी की फिल्म में साथ साथ नजर भी आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जहां आरके पहुंचे दीपिका की फिल्म देसी बॉयज देखने के लिए, तो वहीं रॉकस्टार देखकर दीपिका रो पड़ी। रणबीर के बर्थडे बैश पर भी दीपिका मौजूद थी और अब एक रीसेंट अवार्ड शो में आरके ने दीप्स के पैर छुए सारी ऑडियंस के सामने, जिससे ये समझ में आ ही गया कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी इश्यूज नहीं है। तो क्या दीपिका आरके की क्लोजनेस ही सिद को कर रही है परेशान, जिसकी वजह से उन्होंने दीपिका से बढ़ा ली है दूरियां? वेल, हम तो यही कहेंगे दीप्स कि आप जल्द ही इस खबर पर क्लैरिफिकेशन दे दें, वरना ये रूमर जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।